अमर शहीद पंडित रामप्रसाद बिस्मिल के बलिदान दिवस के अवसर पर सदर सांसद रवि किशन ने जिला कारागार में पंडित रामप्रसाद बिस्मिल के शहीद स्मारक पर पहुंचकर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी, जिसके संबंध में सदर सांसद रवि किशन ने बताया कि काकोरी कांड के महानायक पंडित रामप्रसाद बिस्मिल ने जो बलिदान दिया उसको पूरा देश तथा जनपद भूल नहीं सकता है, जिसको पूरा देश भव्यता से मना रहा है। उन्होंने कहा, प्रदेश सरकार ने पंडित रामप्रसाद बिस्मिल के शहीद स्मारक को भव्य स्वरूप दिया है तथा पंडित रामप्रसाद बिस्मिल जैसी वीर शहीदों की वजह से हमारा देश आजाद हुआ है, जिनको सम्मान देने के लिए पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सदर सांसद रवि किशन ने कहा, साइड होकर के हाँ वे खड़े बाबू हाँ अपने अंगों को हमरे तिरंगा कसान बा जहनवा में, ओ हमरे तिरंगा कसान बा जहनवा में, तो देख लह 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 रे हो देख लह 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 रे ऊंच गगन बाबे, देख लह 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 रे ऊंच गगन बाबे, ओ हमरे तिरंगा कसान बा हमरे तिरंगा कसान बा जहन बाबे, हो जहन बाबे, ओ देख लह 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 रे गगन बाबे।
तान भगत दे दिहल जान। उद्देश्य किया न बान तान भगत दे दिहल जान। और ई हस तझुई गइल फांसी के झुलने पंडित राम प्रसाद बिस्मिल अमर है। हम सबका सौभाग्य है। देखिए काकोरी जो एक प्रतिकार था, एक ज्वाला थी, एक अंग्रेजों के खिलाफ जुल्म के खिलाफ, उसके लिए पंडित जी ने जो बलिदान दिया उसको देश उत्तर प्रदेश पूर्वांचल और गोरखपुर की माटी कभी नहीं भूल सकती। और इस दिन को बड़े भव्यता के साथ मनाया जाता है और यहाँ पर राज्य सरकार पूज्य महाराज जी ने इसको इतना भव्य स्वरूप भी दे दिया इनके स्थान को, बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ के। और हम सब लोगों को इन सारे बलिदानों को, जैसे प्रधानमंत्री जी यही बताते हैं कि सारे शहीदों को और बलि जिन्होंने भी देश के लिए बलिदान दिया उनको उनकी जयंती को मनाना चाहिए। उनकी उनके बारे में हमेशा हम लोगों को अपने मन में एक ज्वलंत भावना रखनी चाहिए कि क्या क्या कितनी शहादत के बाद हम लोगों को आज़ादी मिली और उसी को आज हम इनको पूजने आए। हम ब्राह्मणों के लिए एक बहुत बड़े सिरमौर, हमारे गौरव, तो हम सब लोग इनको बड़ा बड़ा सम्मान बड़ा आदर करते हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, लोगों को आज़ादी का अमृत महोत्सव बड़ी भव्यता से मनाया जा रहा है। गोरखपुर महोत्सव के साथ नाट्य का कुंभ भी होगा और प्रधानमंत्री जी और पूज्य महाराज जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश वो चाहते हैं कि इसकी भव्यता बहुत बड़ी रहे। आज़ादी के 75 साल होंगे, उसका पूरा देश मनाएगा, पूरा विश्व देखेगा और पूरे हम लोगों को इसी चीज़ों को एक बड़े भव्यता के साथ एक जश्न के रूप में देखना है।